हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? सो रेडी हो जाइए अपने कॉपी पेन लेकर के, क्योंकि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कंपोजिशन में राइटिंग पार्ट के अंदर। जो हमने पहले पैटर्न्स पढ़े थे लेटर के, उन पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ा था, तो मैं आपको देखिए अब ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता करके फिर उसका आंसर बताऊँ किस तरह से आप अपने पैटर्न में अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन यह है जो मैं आपके सामने लिखता हूँ, किस तरह से आता है हमारे एग्जाम में। इमेजिन, इमेजिन दैट यू आर राम, लिविंग, यहाँ थोड़ा चेंज है, लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल, GOVT, गवर्नमेंट हॉस्टल L, जयपुर। कल्पना करो तुम्हारा नाम राम है और तुम जो है जयपुर के किसी गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हो, राइट? Write a letter to your father. अपने पिताजी को लिखना है, to your father, requesting him, उनसे तुम्हें रिक्वेस्ट करनी है, किस चीज़ के लिए? Requesting him for द परमिशन। मैं आपको क्वेश्चन लिख करके बच्चों ये बात बता रहा हूँ, द परमिशन क्या करेंगे बच्चों, द परमिशन TI, जो गलत हो गया इसमें लिखने में, SSSION, ठीक है, द परमिशन टू गो फॉर For an educational tour, historical भी हो सकता है बच्चों, इसमें educational भी हो सकता है, ठीक है ना, for educational या फिर a historical, historical tour, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आएगा। अब आपके साथ इसमें वो क्या होता है, कुछ आउटलाइंस होती है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ लिख रहा हूँ जैसा क्वेश्चन है वैसे तरह से, जैसे एग्जाम में आता है। यू में टच अपॉन, इसीलिए अपना पैटर्न इसमें काम करेगा बच्चों, क्योंकि आपको क्या करना है, जो आउटलाइंस है ना उनको ऐड कर देना है, और कैसे करना है वो आईडी में बताऊँगा, ठीक है। द फॉलोइंग, पॉइंट्स, समझ गए ना आप लोग? अब मैं देखो पॉइंट्स बता रहा हूँ, तीन या चार पॉइंट आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। जैसे मैं फर्स्ट लिखा मैंने यहाँ पर और दे दिया यहाँ पर द प्लेस, अब इसमें क्या क्या बातें आती है, द प्लेस वेयर विल यू गो, ये आपको बताना है पिताजी को, इनका आंसर देना है कहने का मतलब। सेकेंड है ड्यूरेशन ऑफ द टूर, कितने दिन के लिए जाओगे, ड्यूरेशन ऑफ द टूर, भाई कितने दिन के लिए जाओगे तुम। थर्ड पॉइंट मैंने डाल दिया ऐसे यहाँ पर, हाउ मच, मनी, क्योंकि पिताजी से परमिशन लेंगे तो अपने को पैसा भी चाहिए, डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसों की आवश्यकता होगी। लास्ट पॉइंट ये बोलते हैं कि हु आर गोइंग, भाई कौन कौन जा रहे हैं, विद यू ऑन द टूर, किस टूर में आपके साथ जो है कौन कौन जा रहे हैं, समझ गए ना आप सभी। अब देखिए ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर हमें बनाना है, समझ गए आप लोग।
क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले से 21 राजा पार्क एड्रेस हम करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे लिखना है 21, ठीक है, इसका तो पीछा नहीं छोड़ना, ठीक है। 21 यानी 21, और जैसे अपन डाल दिया हॉस्टल का नाम, आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्टल था, गवर्नमेंट हॉस्टल कोई नाम भी हो सकता है किसी का, राम हॉस्टल, गुरुकुल हॉस्टल, कुछ भी, कि गवर्नमेंट हॉस्टल 21 नाम आ गया 21, ठीक है। उसके बाद हमने कर दिया इसमें कहाँ का था, जगह का नाम था जयपुर, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, डेट डाल देंगे, जैसे कि आज क्या डेट है, जैसे हमने कर दिया आज 7 अक्टूबर 20, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे माई डियर फादर, पिताजी को लिखना है माई डियर फादर। आप बस ध्यान से जो है इसको जो है फॉलो करते जाइए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, माई डियर फादर, उसी तरह से आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट मंडे, आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट मंडे, आई रीड इट अगेन एंड अगेन एंड बिकेम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट यू एंड यू एंड फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई, फैमिली आर वेल, कि आप और पूरा परिवार अच्छा है। अपने पैटर्न में देखा था, आप पता है आई एम ऑल्सो वेल हियर, मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेल, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मतलब ये हम लोग लिख करके बताएंगे पिताजी को। अब फिर क्या करना है, यहाँ पर आई एम वर्किंग हार्ड, फुल स्टॉप लगा दिया, अब पैराग्राफ को चेंज कर दो, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज क्या करेंगे यहाँ पर ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल या हिस्टोरिकल स्टोरी कर दें, चलो ठीक है, ऑर्गेनाइज ए हिस्टोरिकल क्या हिस्टोरिकल टूर, कोई सा भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही है, स्कूल से एजुकेशनल टूर ही जाते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में देखो, कहाँ क्या पूछा था उसके अंदर, पीछे हम देखा था कि वो स्थान जब जहाँ तुम जाना चाहते हो उसके बारे में बताओ, ठीक है ना, और कितने दिन के अलावा ड्यूरेशन क्या होगा उसके बारे में, तो ये आगे पीछे कैसे ही बता सकते हो। तो क्या कहोगे, एजुकेशनल टूर, उसके बाद लिखोगे इट इज़ अ 10 डेज, भाई 10 दिन का टूर है, 10 डेज टूर, एक 10 दिन का टूर है, आप बता सकते हो उनको। उसके बाद में आप कहाँ कहाँ जाओगे उसके बारे में बता सकते हो, तो क्या कहोगे, वी शैल लीव, एल ई ए
लीव, वी शैल लीव जयपुर, जयपुर जा रहे हो, वी शैल लीव जयपुर ऑन, अब डेट आपको पता करना है कौन सी लिखोगे, आगे की डेट लिखोगे, हमने क्या किया था 7, तो 20 करते हैं, 20 अक्टूबर 20, ठीक है, फिर जाएंगे वी शैल विजिट, वी शैल विजिट कहाँ कहाँ घूमोगे तो आप बता दो, जैसे भी जैसे उदयपुर UDAIPUR, अब जो रूट होता है वो आपको ध्यान रखना है, माउंट आबू MT और ABU, माउंट आबू, उसके बाद आप कर सकते हो अजमेर, उसके बाद आप कर सकते हो जैसे कि ETC, ठीक है, इत्यादि, काफ़ी इतना। अब कौन कौन जा रहा है आपके साथ में आप कहोगे तो आप बता सकते हो, पूरे मित्र आपके जा रहे हैं तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, क्या बताओगे, ऑल माई फ्रेंड्स, ठीक है, ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग, क्या गोइंग फॉर दिस टूर, भाई सारे मित्र जो हैं आर गोइंग फॉर दिस टूर, टूर नहीं करेंगे इसमें, प्लानिंग होती है पहले से, ठीक है ना, TOUR फॉर दिस टूर, और उसके बारे में भाई क्या पूछ रहा है टूर पर जो है, और कौन कौन जा रहे हैं बता दिया, कितने दिन के लिए जा रहा है, कितने पैसा कितना लगेगा, उस चीज़ के लिए भी आप इसमें बताओगे, तो उसमें पूछा गया जैसे कि उसमें क्वेश्चन में हमने कहा था, तो आप इसमें क्या लिखोगे, टूर हो जाएगा, उसमें पैराग्राफ चेंज कर दो, सो प्लीज इसलिए प्लीज अलाउ मी टू, पहले अनुमति मांगेंगे, अलाउ मी टू गो फॉर दिस टूर, दिस टूर, बोले इस टूर में जाने की मुझे पहले अनुमति दो, तो अब कितना पैसा लगता है आप इसमें लिखेंगे, आई विल, देखिए आ जाएगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल रिक्वायर, आपको आवश्यकता है ना, तो आई विल रिक्वायर 1000, 1THOUSAND, आप इसमें कर दो इस तरह से 1000 rupees, है ना, THOUSAND 1000 rupees टू गो फॉर दिस टूर, टू गो फॉर दिस टूर। अब पिताजी जो है परमिशन भी दे देंगे, पैसा भी भेज देंगे, तो उसके लिए कह देंगे लास्ट में एक लाइन, आई एम होपफुल, हेल्प, आप कैसे होपफुल करते हो, आई एम होपफुल, भाई उम्मीद करना है ना, आई एम होपफुल FUL है, ठीक है, यू विल सेंड मी द मनी, जितना पैसों के लिए बोला है अमाउंट कह सकते हो, सेंड मी द मनी एंड योर परमिशन SIONSION, ठीक है ना, PERMISSION, परमिशन किस चीज़ के लिए, टू गो फॉर द टूर, ये लो बच्चों, बड़ा भी हो गया, इजी भी हो गया, अब लास्ट में आपको पता है फॉर्मेट वाली काम आ जाएगी इसके अंदर, तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे प्लीज़ कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स, REGARD रिगार्ड्स टू माय ब्रदर, ये टू माय मदर एंड लव टू
लव टू। खुशी का नाम से सोनू मोनू, सोनू मोनू, ठीक है। उसके बाद लास्ट लिख देंगे योर लविंग, योर लविंग, आपका प्यारा लविंग सन, ठीक है बच्चों। लास्ट में देखिए इतनी जगह बची है, तो यहाँ पर नाम लिख दो अपना, जो भी नाम हो। उसमें क्या दे रखा था, राम दे रखा, तो राम लिख देंगे आप। अब देखिए ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया, बढ़िया सा लेटर तैयार हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं देखूँ आपको बता रहा हूँ, इस तरह से हाफ एंड हाफ दिख रहा है आपको, ये मंडे लिखा हुआ है, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद यहाँ से लीजिए, हो गया। उसके बाद आगे जी 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 लास्ट तक ले लीजिए, देखो एक बार फिर से पढ़ के बताता हूँ मैं आपको अच्छे से, क्वेश्चन जैसा भी था। हॉस्टल का नाम गोखले हॉस्टल, राम गुरुकुल वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, मैंने गवर्नमेंट हॉस्टल डाला है जयपुर। उसके बाद तारिक माय डियर फादर, आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट मंडे, पिछले सोमवार को तुम्हारा आपका पत्र मिला, आई रीड इट अगेन एंड अगेन, मैंने इसे बार बार पढ़ा, एंड बिकेम वेरी हैप्पी टू नो, और ये जानकर खुश हुआ अबाउट यू एंड फैमिली आर वेल, कि आप और परिवार अच्छे हैं। आई एम ऑल्सो वेल हियर, मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। माई स्टडीज़ आर गोइंग ऑन वेल, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दिया और मेन बात लिख रहे हैं जो क्वेश्चन कह रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ टू नो, ये जानकर, ठीक है ना। अब टू नो नहीं करके इसमें क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, टू टेल यू, टू टेल, ठीक है, यहाँ पर करेंगे टू टेल, करेक्शन कर लेते हैं, ओके। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन हिस्टोरिकल टूर, कि हमारी स्कूल जो है एक ऐतिहासिक भ्रमण पर जाने की तैयारी कर रही है, ओके। इट इज़ ए 10 days टूर, ये 10 दिन का टूर है। वी शैल लीव, हम जाएंगे, वी शैल लीव जयपुर, हम जयपुर को छोड़ेंगे ऑन, मतलब जयपुर से जाएंगे हम लोग 20 अक्टूबर को। वी शैल विजिट, और हम घूमेंगे कहाँ पर, उदयपुर, माउंट आबू, अजमेर, ETC, तेज जगह घूमेंगे। ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर दिस टूर, इस टूर के लिए सभी मित्र जा रहे हैं मेरे, सो प्लीज़ अलाउ मी टू गो फॉर दिस टूर, इस टूर में जाने की मुझे अनुमति दें। आई विल रिक्वायर 1000 rupees टू गो फॉर दिस टूर, इस टूर के लिए मुझे 1000 rupees की आवश्यकता है। आई एम होपफुल यू विल सेंड मी, उम्मीद करता हूँ आप मुझे भेजेंगे द मनी एंड योर परमिशन, और आपकी परमिशन ही मुझे देंगे या भेजेंगे टू गो फॉर दिस टूर, इस टूर में जाने की, समझ गए। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मदर एंड लव टू सोनू मोनू, इज दैट क्लियर। कंप्लीट हो गया बच्चों, देखिए आप यहाँ पर कर लीजिए टेल, नो कीजिए क्या कर लेंगे टेल, तो अच्छे से तैयार कीजिए बच्चों। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें एक और पढ़ेंगे तो थोड़ा ये हैप्पी न्यूज़ का देख लीजिए आप, एक को दें सैड न्यूज़ का, जैसे हॉस्टल में रहते हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो शिकायत के लिए, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अगली क्लास में, गुड डे, गुड बाय।